नमस्ते, मैं हूँ आशुतोष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। लायन एयर फ्लाइट JT610 इस जहाज ने सुबह के ठीक 6:20 पर इंडोनेशिया के जकार्ता एयरपोर्ट से उड़ान भरी। मंजिल थी पागंकल पिनांग हवाई अड्डा। इस प्लेन के कैप्टन थे भव्य सुनेजा। 31 साल के इस हिंदुस्तानी पायलट के पास 6000 घंटों से ज़्यादा का विमान उड़ाने का अनुभव था। मौसम साफ था, लेकिन उड़ान भरे बस 3 ही हुए थे कि भव्य ने जकार्ता एयरपोर्ट वापस लौटने की इजाज़त मांगी। प्लेन में कुछ परेशानी आ रही थी। ट्रैफिक कंट्रोलर ने लौटने की इजाज़त भी दे दी, लेकिन इसके बाद प्लेन रडार से गायब हो गया। इसके 10 बाद यानी टेक ऑफ के 13 बाद प्लेन समंदर में क्रैश हो गया। विमान में सवार सभी 189 यात्री मारे गए। भव्य सुनेजा दिल्ली के रहने वाले थे। मार्च 2011 में उन्होंने बतौर पायलट लायन एयर ज्वाइन किया था। 2016 में भव्य की शादी हुई थी गरिमा सेठी के साथ। ये शादी दोनों के घर वालों ने तय की थी। शादी के बाद गरिमा और भव्य को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। तब गरिमा इंडियन एक्सप्रेस के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करती थी। फिर वो अपने पति के साथ रहने जकार्ता चली गई। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ। गरिमा ने इस साल पहली बार करवा चौथ पर पहली बार साड़ी पहनी थी भव्य को सरप्राइज देने के लिए। गरिमा ने भारत के अपने दोस्तों को बताया था कि वो साड़ी पहनकर कितनी एक्साइटेड हैं। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने गरिमा के दोस्तों से बात की थी। दोस्तों ने बताया कि गरिमा और भव्य परिवार और दोस्तों के साथ दिवाली मनाने 5 नवंबर को दिल्ली पहुंच रहे थे। ये भव्य की पुरानी आदत थी कि दिवाली तो घर पर ही मनानी है। उनका घर यहीं दिल्ली में था, मयूर विहार इलाके में। सारा परिवार यहीं रहता है। उन्होंने दोस्तों से कहा था पार्टी के लिए तैयार रहना। 5-6 दोस्तों का उनका ग्रुप अगले हफ्ते गरिमा भव्य के दिल्ली आने का इंतज़ार कर रहा था। जब भी वो दोनों भारत आते, सारे दोस्त मिलकर कहीं घूमने जाते। साल में 2 तो ऐसा होता ही होता था। लोग याद कर रहे हैं कि वो हंसमुख था, खुशमिजाज था। गरिमा और भव्य का एक दोस्त नवीन बंसवाल ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उन्होंने अरेंज मैरिज की थी, मगर उन्हें देखकर ऐसा लगता नहीं था कि उनके परिवार ने उन्हें एक दूसरे के लिए चुना हो। दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत इज्जत करते थे। आपसी समझ भी बहुत मजबूत थी उनकी। देखने वाले के लिए मानना बड़ा मुश्किल होता कि उन्होंने लव मैरिज नहीं की है। गरिमा की एक दोस्त मानवी दुआ अब भी इंडियन एक्सप्रेस में ही काम करती हैं। उन्होंने बताया कि 2 पहले की ही तो बात है, गरिमा बहुत खुश थी। उसने बताया था कि वो पहली बार साड़ी पहन रही हैं और वो करवा चौथ का दिन था। भव्य नहीं रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उसको अपने भाई जैसा मानती थी। मैं भाई दूज पर उसका इंतज़ार कर रही थी। उसे हल्दीराम के मोतीचूर लड्डू बहुत पसंद थे। एक छोटी बहन थी उसकी, लेकिन वो मुझे भी अपनी बहन की ही तरह प्यार करता था। एक और दोस्त रोहित ने बताया कि भव्य को गाड़ी चलाने का बड़ा शौक था। जब भी ये दोस्त लोग कहीं जाते तो वो गाड़ी भव्य ही चलाते। भव्य की तस्वीर की तरफ टुकड़ टुकड़ देखते हुए रोहित के मुँह से निकला कि मैं और गरिमा कई सालों से दोस्त हैं, मगर उसके पति भव्य के साथ मेरा रिश्ता बहुत मजबूत था। पिछले साल मेरे जन्मदिन पर भव्य ने मुझे एक ड्रम सेट तोहफे में दिया था। बहुत भला इंसान था वो, बहुत बेहतरीन शख्स था। जिस विमान में हादसा हुआ वो बोइंग 737 मैक्स 8 प्लेन था। अगस्त में ही लायन एयर को इस प्लेन की डिलीवरी की गई थी। जिस प्लेन का एक्सीडेंट हुआ उसकी पिछली उड़ान में कुछ तकनीकी दिक्कतें आई थी। विमान बाली से जकार्ता जा रहा था। उस उड़ान के दौरान पायलट के इंस्ट्रूमेंट पर जो एयर स्पीड रीडिंग आ रही थी उसमें कुछ परेशानी थी। इसके बावजूद विमान सही सलामत जकार्ता पहुंच गया था। लायन एयर का कहना है कि उस टेक्निकल दिक्कत को ठीक कर लिया गया था। भव्य और गरिमा के दोस्तों परिवार वालों को बीती बातें याद आ रही हैं, हंसी खुशी के साथ गुजारे पल। इस हादसे में मारे गए बाकी लोगों के दोस्तों परिवारों के पास भी ऐसी ही यादें हैं, ऐसी ही यादें रहेंगी, बस यादें ही रहेंगी। ये पूरी कहानी हमारे लिए स्वाति ने लिखी थी जो मैंने आपको सुनाई थी। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, भव्य के बारे में और इस पूरे एक्सीडेंट के बारे में आपका क्या कहना है, वो कमेंट करके बताइएगा। और वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल है द ललन टॉप का, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। Facebook पेज लाइक कर लीजिए और हमारे ऐप से भी जुड़ जाइए, उसको भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। थैंक यू।